खबर गोंडा से है, जहां होली त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मिलावटखोरों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बीते 28 फरवरी से अभियान चलाकर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। अब तक खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने 10,000 की नकली मिठाइयों को नष्ट करवाया है, साथ ही 17 नमूने जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। जिले में जो है लोगों को मिलावटयुक्त खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए मिले, इसके लिए हमारा विभाग तत्पर है। हम लोग 28 फरवरी से ही जो है हम लोगों ने पूरे जिले में अभियान चलाया हुआ, सारी तहसीलों में हम लोग जहां पर भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ बिकने की सूचना मिल रही वहां पर हम लोग छापे मार रहे हैं। अब सूचना एकत्रित की जा रही है और जो है नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। देखिए, पिछले कई त्योहारों में बाहर से खासकर कानपुर से बहुत सी खाद्य सामग्री आती थी जिसको हम लोगों ने कई बार पकड़ा, लेकिन इस बार हमको लगता है कि जो है चूँकि बार बार उन पर कार्रवाई हो चुकी है, इस बार हम लोगों के तमाम प्रयासों के बाद भी बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थ जो है नहीं मिल पाए हैं। इससे हम लोग ने ये मान लिया है कि इस बार जो है बाहर से खाद्य पदार्थों की आवक बहुत कम हो गई। इसलिए में ये हम लोगों के सतत जो है छापामारी का ही नाते ऐसा हो पाया है कि जो है बाहर से जो मिलावटी खाद्य सामग्री बहुत कम मात्रा में गोंडा में इस बार आई है। अब तक कितनी कार्रवाई की गई, कितने नमूने लिए? देखिए, अब तक हमारी टीम ने कुल 17 नमूने भरे हैं। करीब हम लोगों ने 10,000 रुपए की जो है खराब खाद्य सामग्री को हमें नष्ट कराया है और बाकी जो नमूने लिए गए उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है।